AB series is a rectangle formed by the points A, B, C and D. If PQ, RS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, we have to show के PQ, RS एक rhombus है. तो पहले तो आप देख लो, ये एक rectangle है जिसका नाम AB, CD है. A, B, C, D है. इन सब के coordinates given हैं. A का coordinate है -1, -1. B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 4 एंड ये C पॉइंट है 5, 4 और ये D पॉइंट है 5, -1. अब इन्होंने बोला है P, Q, R, S मिड पॉइंट्स हैं A, B, B, C, C, D, D, A के रेस्पेक्टिवली. तो P मिड पॉइंट हुआ A, B का. ओके, P A, B का मिड पॉइंट हो गया, Q B, C का मिड पॉइंट हो गया, R C, D का मिड पॉइंट हो गया और S D, A का मिड पॉइंट हो गया. चलिए जी करते हैं. तो ए बी का मिड पॉइंट मैं पी लिख लेता हूँ, बी सी का मिड पॉइंट मैं क्यू लिख लेता हूँ एंड यहाँ पर सी डी का मिड पॉइंट मैं आर लिख लेता हूँ और ये मिड पॉइंट मैं एस लिख लेता हूँ. तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस, पी को क्यू से ज्वाइन करो, क्यू को आर से ज्वाइन करो, आर को एस से ज्वाइन करो, एस को पी से ज्वाइन करो. तो जो आपको ये फिगर मिल रहा है ना, पी क्यू आर एस, ये फिगर ये रॉम्बस है, ये प्रूव करना है. तो अगर पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो ये रॉम्बस हो जाएगा. तो हमें इन चारों साइड्स को फाइंड करना है और फिर देखना है कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल हैं या नहीं है. लेकिन पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं, क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं. तो पहले इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. ओके, तो पहले आप मिड पॉइंट फार्मूला समझ लो. ओके, मिड पॉइंट फार्मूला देखो जी, अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमको स्ट्रेट लाइन मिली है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन है, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू हैं. तो अगर आपको ये मिड पॉइंट चाहिए ना, मिड पॉइंट चाहिए ना, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक्स वाई हैं, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू करना होगा और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू करना पड़ेगा. प्लीज़ समझिए, अगर ए और बी का आपको मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट मतलब एब्सिसा पाने के लिए, इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ये एब्सिसा है, ये एब्सिसा है और ये जो बाद में लिखा है ये ऑर्डिनेट 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 है. तो अगर आपको मिड पॉइंट का एब्सिसा चाहिए तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एब्सिसा ऐड करके टू से डिवाइड कर दोगे और अगर इसका ऑर्डिनेट चाहिए मतलब वाई चाहिए तो आप ऑर्डिनेट्स को ऐड करके टू से डिवाइड कर दोगे, वाई वन और वाई टू को ऐड करके टू से डिवाइड कर दोगे. तो यही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ. जब मुझे P पॉइंट चाहिए होगा तो आप प्लीज़ देखो, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ का एब्सिसा और यहाँ का एब्सिसा ऐड कर लोगे, मतलब x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे. और अगर ऑर्डिनेट चाहिए तो ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब माइनस वन और फोर को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे. तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, -1, -2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2. तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 एंड 3 अपॉन 2, ये P हो गया. ओके, इसी तरह चलिए हम Q फाइंड कर लेते हैं. Q, आप ध्यान से देखो, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. अगर आपको Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो B और C का एब्सिसा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. तो एब्सिसा है -1 और 5, ऐड करो उसे 2 से डिवाइड कर दो. ऑर्डिनेट्स को ऐड कर लो, 4 और 4 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो. तो आपको मिल जाएगा ये 4 अपॉन 2 मतलब 2, 8 अपॉन 2 मतलब 4. तो Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. इसी तरह आप R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो. तो R के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC. तो D का एब्सिसा है 5, C का एब्सिसा है 5, 5 प्लस 5 10, 10 अपॉन 2 मतलब 5 हो जाएगा. ऐसे ही ऑर्डिनेट मिलेगा -1 और -+4, ये हो जाएगा 3, 3 अपॉन 2 आ जाएगा R. सिमिलरली आप S फाइंड कर लो, S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. तो -1 और +5 को ऐड करोगे 4 मिलेगा, 4 अपॉन 2, 2 हो जाएगा. -1, -1 होता है -2, -2 अपॉन 2 होता है -1. तो ये S आ गया. तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स, S के कोऑर्डिनेट्स और P के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, ठीक है ना. अब आप पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी का डिस्टेंस फाइंड कर लो. तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो देख लो. ओके, इसी जगह पर देख लो, मान लेते हैं हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है. तो ज्वाइन करने से आपको ये लाइन मिल गई है ए बी. अगर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो फार्मूला होता है
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ओके, इसको यूँ समझो कि ये जो एब्सिसा है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लगा देना होता है और ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लगा देना होता है. वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर में. ओके, बस इतना समझ लोगे तो क्वेश्चंस होने लगेंगे. और ये ज़रूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 लिखो. अगर आपने x1 माइनस x2 लिख दिया तो उससे भी आपको सेम चीज़ मिलेगी. अगर y1 माइनस y2 लिख दोगे तब भी आपको वही मिलेगा. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा 4. और अगर आप 2 माइनस 4 करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर और ये भी 4 ही मिलेगा. तो कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें. आई होप इट इज़ क्लियर. तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं ये वैल्यूज़. हम पी क्यू का डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं. पी क्यू डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. तो फार्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और उन पॉइंट्स का जॉइन जो है उसकी लेंथ आप फाइंड करना चाहते हो, तो ये फार्मूला होता है. ओके, अब ज़रा देखो यहाँ पर, ये रहा पी जिसके कोऑर्डिनेट्स थे माइनस वन कॉमा थ्री अपॉन टू. ओके, तो आपको पी और क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है. क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो हमने निकाले थे वो थे टू कॉमा फोर. तो हमें पी और क्यू का डिस्टेंस चाहिए. तो देखो, इससे इसे आप x1 और y1 मान लो और q के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 मान लो और इन्हीं को फार्मूलाज में रख दो. ठीक है ना? तो मैंने क्या माना है, x1 माइनस वन है, y1 इज 3 अपॉन टू, x2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 4 है. चलिए शुरू करता हूँ मैं. तो मुझे x2 माइनस x1 चाहिए. ओके, आप देखो x2 की वैल्यू क्या है. मैंने बोला ना, मैं इसे x1 y1 मान रहा हूँ, इसे x2 y2 मान रहा हूँ. तो x2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है माइनस वन. तो मैं ये कॉपी करता हूँ. मैंने x2 की जगह लिखा 2, इस माइनस की जगह मैंने माइनस लिखा और x1 की जगह माइनस वन लिखूँगा तो ये माइनस वन आ जाएगा. अब ये दो माइनस क्यों आए प्लीज़ समझ लो. मैंने माइनस की जगह माइनस लिखा है और x1 की वैल्यू माइनस वन थी तो इसलिए दो माइनस आ गए हैं. ठीक है ना? इस पर मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा. अब मैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करूंगा, y2 माइनस 1. तो y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 3 अपॉन 2 है, तो मैं 4 में से 3 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर लगा दूंगा. ठीक है ना? चलिए सॉल्व करते हैं. ये 2 माइनस माइनस, माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस, तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 का मतलब 3 होता है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा. इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप 2 ले लोगे एलसीएम डिनोमिनेटर्स का. 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ये. इसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 माइनस 3 होता है 5, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 5 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 2 4 ये हो जाएगा. इसके बाद 4 आप ले लोगे एलसीएम, 4 9 टाइम्स हो जाएगा 36, 36 प्लस 25 तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 61 अपॉन 4. 61 तो स्क्वायर रूट से निकल नहीं पाएगा लेकिन 4 2 इंटू 2 बनकर बाहर आ जाएगा. तो रूट 61 अपॉन 2 यूनिट्स आपको मिल जाएगा. ये है पी क्यू की लेंथ. अगर क्यू आर आर एस एस पी की भी लेंथ यही रहती है तो प्रूव हो जाएगा कि पी क्यू आर एस एक रॉम्बस है. चलिए अब हम फाइंड करते हैं क्यू आर. क्यू आर तो फार्मूला वही रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. ठीक है ना? अब ज़रा देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2.4 हमने निकाले थे और आर के कोऑर्डिनेट्स 5.3 अपॉन 2 मिला था हमें. चलिए आर से क्यू का डिस्टेंस फाइंड करते हैं. आर से क्यू का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इसे हम x1 y1 मान लेंगे. ओके, और इसे हम x2 y2 मान लेंगे. तो x1 की वैल्यू 5 रहेगी, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 2 रहेगी, x2 की वैल्यू 2 रहेगी और y2 की वैल्यू 4 रहेगी. शुरू करता हूँ मैं. तो मुझे x2 माइनस x1 लिखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. तो मैं 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर लगाने वाला हूँ. 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर. अब मुझे y2 माइनस y1 लिखना है तो मैं 3 अपॉन 2 माइनस 4 कर दूंगा. 3 अपॉन 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, 3 अपॉन 2 माइनस 4 होल स्क्वायर. ठीक है जी, ये 5 माइनस 2 होता है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. यहाँ आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, ये 3 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 स्क्वायर. ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है तो माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4. ये है 4,
4 9 times 36 है, 36 plus 25 मतलब वही 61 मिल गया आपको, मतलब वापस आपको रूट 61/2 यूनिट्स मिल चुका है। ओके, तो देखो दो साइड्स तो इक्वल आ चुके हैं। इसी तरह हम आर एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, आर एस की वैल्यू। ओके, आर एस की वैल्यू देख लो, आर के कोऑर्डिनेट्स 5/3/5.3/2 थे, और एस जो था ये हमने निकाला था 2, -1, ठीक है ना। तो चलिए आर एस फाइंड करते हैं। तो आप इसे मान लो x1 y1 और इसे मान लो x2 y2। तो आपको x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो x2 मतलब 2। देख लो, मैंने इसको x1 y1 मान लिया, x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू 3/2 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -1 है। चलिए x2 - x1 चाहिए, मतलब 2 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, 2 - 5 होल स्क्वायर, और उसके बाद मैं y2 - y1 करूँगा, y2 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -3/2 है, तो मैं -1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 3/2 होल स्क्वायर लगा दूँगा। ये 2 - 5 का मतलब -3 होता है, -3² 9 आ जाएगा। ओके, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, +3 का स्क्वायर भी 9 होता है। यहाँ पर मैं 2 ले लूँगा LCM, अब 2 - 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो -2 मिलेगा, और ये -3 है, इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो ये है 9, -2 और -3 होता है -5, -5 का स्क्वायर होता है 25/4। तो देखो वही सेम चीज़ जो यहाँ मिली थी वही मिल गई है, मतलब इसे सॉल्व करने पर भी आपको स्क्वायर रूट 61/2 यूनिट्स मिल जाएगा। तो अभी तक के चारों साइड्स, तीनों साइड्स आपस में इक्वल मिले हैं। एक और साइड बस प्रूव कर दें और ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये रॉम्बस ही है। तो पी क्यू क्यू आर आर एस, एस पी बचा है, एस पी फाइंड कर लेते हैं। एस पी तो एस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। आप इन्हें x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। ओके, आप चाहो तो स्विच भी कर सकते हो, इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, क्या करना है, x2 - x1 करना है। तो x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू -1 है। मैं यह चीज़ कॉपी करता हूँ यहाँ पर, x2 की वैल्यू 2 है, फिर मुझे माइनस लिखना होता है फॉर्मूला के हिसाब से। ओके, प्लीज़ देख लो फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर +y2 - y1 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ऐसे पता चलता है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, x2 की वैल्यू 2 है, फिर मैं माइनस लिखूँगा और x1 की वैल्यू लिखूँगा जो कि -1 है। तो x1 की वैल्यू -1 है, -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1। ओके, डबल नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इस माइनस की जगह ये माइनस आ गया है, और x1 की वैल्यू -1 थी इसलिए दो दो माइनस आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब y2 - y1 करते हैं। तो y2 की वैल्यू -1 है और ये -3/2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे -1 - 3/2 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 सॉल्व होने के बाद, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ आपको मिलेगा 2, ये हो जाएगा -2 - 3 होल स्क्वायर। तो वही मिल रहा है जो पहले मिल रहा था हमें, सेम उसी तरह से सॉल्व होगा, मैं कई बार ये सॉल्व कर चुका हूँ पहले भी। तो मिल जाएगा आपको √61/2। तो आपने देखा कि पी क्यू और क्यू आर और आर एस और एस पी, ये सब के सब √61/2 यूनिट्स आए हैं। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड हेंस पी क्यू आर एस इज़ अ रॉम्बस। आई होप दिस इज़ क्लियर। If there is any kind of confusion, you can write in the comment section.